ये बोल्टन इंटरचेंज करके यहाँ पे बस स्टॉप का नाम है और इसके पीछे रेलवे स्टेशन है। कितनी सारी बोल्टन यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस और लॉ तीन सब्जेक्ट हैं। फ्लावर पॉट्स, ये बोल्टन टाउन सबसे बड़ा है मैनचेस्टर में। ये यहाँ का सिटी सेंटर है, ये बस स्टॉप था, हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ये भी दुकानें हैं। ये बोल्टन का वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती रहती है आए दिन। ये झूले वूले भी यहाँ पे, मतलब बच्चों के शोज भी चलते रहते हैं। ये देखो फुहारे, चैडविक का स्टैचू, बोल्टन काउंसिल। 6:30 बजे है अभी, ये घड़ी टाइम में है। बोल्टन काउंसिल का हाउस है। यहाँ पे क्या करते हैं, कारपेट बिछा देते हैं, बर्फबारी के सीन मतलब शो कर शूट करते हैं। ये वर्ल्ड वार की मेमोरी में हर जगह होता ही है कुछ ना कुछ, यहाँ पे भी शूटिंग होती रहती है। बैठने के लिए और स्टैचू दूसरी तरफ से बोल्टन काउंसिल सेंटर। ये जो है सिल्क मिल में काम करने वाला इंजन है जो कि 1886 में बना था और 1969 तक काम करा था इसने। अच्छा, ये टाउन सेंटर को दे दिया इन्होंने डोनेशन में। चिल्का पड़ रही है, चिल्का किधर से देखें, इधर से स्टिल बेटर। अब ये स्टीम इंजन को, स्टीम से बनी मशीनों को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। वाओ, ये देखो कितनी पुरानी मस्त बिल्डिंग है। ये बोल्टन के बेटे हैं, उनका स्टेचू है, इनके नाम पे शहर बसा हुआ है। ये सिटी सेंटर के नज़ारे हैं बोल्टन के, यहाँ से आ रहा है। बंद हो चुका है अभी सिटी सेंटर की शॉप्स इधर। ये देखें मस्त बिल्डिंग, बैंक को दे देते हैं ये ज़्यादातर तो मस्त वाली बिल्डिंग, चर्च, घंटाघर। ये यहाँ का समर शॉपिंग सेंटर, मार्केट प्लेस है ये। अभी तो बंद हो चुकी है दुकानें इसमें, फिर भी हम ये देखो क्या मस्त बिल्डिंग है ना बाहर से। ऐसे ही देख लेते हैं अंदर, ऐसे तो बंद हो चुका है। वाह, ये देखो तब से बना है तब से ऐसा, कितना सुंदर है ना। 1855 की बिल्डिंग है ये मार्केट प्लेस की। इधर कारों के स्टोर है आगे, शोरूम या ऑफिस बिल्डिंग है। पुराना शहर है, अच्छा है। क्या मस्त ब्रिज है ना पुराना बोल्टन का। ये देखो यहाँ कौन सी नदी है पता नहीं, लेकिन मस्त लग रही है नीचे ना पहाड़ी से कल कल की आवाजें आ रही हैं। ओह माय गॉड, शिट,
कोई ना, रेस्ट करो। मस्त व्यू है ना यहाँ से। वाह,